আমফান চলে গেছে, টাটা বাই বাই করে আকাশের ওপর থেকে ঘুরে চলে গেছেন দেবে বলে, আর একটা আমার জোশ আসছে, তার জন্য আবার আমাদের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। প্রতি বছর একটা করে দুর্যোগ, একটা দুটো করে আসে, একদিকে কোভিড দুর্যোগ, আর একদিকে কখনো আমফান, কখনো জজ, কখনো সুনামি, নানা রকম চলে। সুতরাং এটাও আর একটা সিরিয়াস দুর্যোগ আসছে, তার জন্য যা যা করার আমরা করেছি, আমরা সব ডিএমকে অ্যালার্ট করেছি, সুন্দরবনের এবং দীঘা কোস্টাল এরিয়া কাছাকাছি এরিয়াগুলো সবাইকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। এই জন্য গভর্নমেন্ট থেকে যা যা করার, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের থেকে আমরা গতকাল মিটিং করে নিয়েছি এবং এটা নিয়ে করা হচ্ছে। আমি এক্ষুনি আবার মিটিং করব। কিন্তু মিটিং মানে তো টু ওয়ে কমিউনিকেশন, এ তো ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন হলো, তাহলে মিটিং এর কি দরকার? এটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন হয়নি, এটা ওয়ান ওয়ে ইনসাল্টেশন হয়েছে, ওয়ান ওয়ে হিউমিলিয়েশন হয়েছে, ওয়ান নেশন অ্যান্ড অল হিউমিলিয়েশন। ওনারা বলেন না ওয়ান নেশন ওয়ান লিডার, উনি কাউকে বলতে দেবেন না, ওয়ান নেশন অ্যান্ড অল হিউমিলিয়েশন। দিদি দিদি আপনি কা এক দো সিএম কো বলনে দিয়া গয়া জো বিজেপি স্টেট কে হ্যায় তো কিস কিস কো বলনে দিয়া? নেই, সিএম কো নেই বলনে দিয়া, কিয়া সোচতা হ্যায় আপ লোগ, কিয়া সুনতা নেই হ্যায় জব বোলতা হ্যায়? কোই সিএম কো বলনে নেই দিয়া, ডিএম কো বলনে দিয়া, ডিএম কো থোড়া থোড়া ডিএম কো বোলা, জেসা উত্তর প্রদেশ কো ডিএম কো বোলা, এক এপি কা বোলা, এক ছত্তিশগড় কো বোলা, এসা চার পাঁচ ডিএম কো বোলা। दीदी आप कह रही थी क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर्स को बोलने का मौका नहीं दिया गया, आप कह रही थी महाराष्ट्र केरला जहाँ पे हाई केस लोड भी है, तो क्या सारे चीफ मिनिस्टर्स मिलके कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि आज आप लोगों को बात करने का, अपना प्रॉब्लम सामने रखने का मौका नहीं मिला, क्या चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठा होकर सामने आएंगे? देखिए ऑल चीफ मिनिस्टर विल स्पीक इट्स देमसेल्व्स, इसमें हम तो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, किसका किया क्या बोलना है उसका फ्रीडम है। लेकिन बात यह हुआ है कि आज ने जो किया है ये डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा है। इसे लगता है कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का मर्जी माफिक सब चलेगा, सब उसका बंडेड लेबर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी उनका नहीं है। और सवाल हम लगातार देख रहे हैं यूपी के अलग अलग जो घाट है वहाँ पर बॉडीज को डंप किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट करते हुए, ये कितना चिंताजनक है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में। देखिए बहुत चिंताजनक है इसी के लिए कि हमारा देश में नदी सागर समुद्र लहरी ये ज्यादा है, इंडिया इज ए रिवर, रिवर इज अवर मदरलैंड, मदर जस्ट लाइक नदी मातृका देश। इधर ने क्या किया, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखने के लिए और जलाने का भी उसका कोई इंतजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इतना बढ़िया होता तो क्यों गंगा का पानी में फेंक देता? गंगा का पानी में कितना लोग नहाते हैं, कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, कितना लोग गंगा का पानी लेके माथा में छूता है, पूरा गंगा को विषाक्त कर दिया। और कहता है इधर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सब डेड बॉडी गंगा में फंसा दिया है। कितना सेंट्रल टीम भेजा प्राइम मिनिस्टर ने? हमारा इधर में जब इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन का अंडर में, तो थोड़ा एक दो चीज हुआ तो सेंट्रल टीम भेज दिया, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भेज दिया, तो पार्टी का टीम भेज दिया। और पूछिए इतना लोगों को गंगा में भसाने का बाद कितना सेंट्रल टीम भेजा।